साहब hey कैसे हैं आप सभी लोग बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अमेजिंग से सेशन में हम कर रहे हैं फास्ट ट्रैक टैक्सेशन फॉर सी इंटरमीडिएट मे ट्वेंटी थ्री और आज इसका फिफ्टी थर्ड लेक्चर है इनपुट टैक्स क्रेडिट का आज थर्ड लेक्चर है जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर नए हैं ये मेरे बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है जिसको आप लोग देख सकते हैं ये मेरा शेड्यूल है मे 23 के स्टूडेंट्स के लिए रोज रात को नौ बजे इसी यूट्यूब चैनल पर फास्ट ट्रैक की क्लासेस चलती हैं और नवंबर 2023 के स्टूडेंट्स के लिए अनकेडमी प्लस पर एकाग्रता बैच चल रहा है जो जिसकी क्लासेस दोपहर को बारह बजे में कंडक्ट करता हूं मंडे टू सैटरडे मे 23 के स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक स्ट्रेटजी सेशन दिया था उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लीज डू चेक इट आउट उससे आपको पता चलेगा कि आपको रिविजन वगैरह कैसे करना चाहिए जो भी जितने भी सेशन अभी तक शुरुआत से लेकर अभी तक हुए हैं फास्ट ट्रैक टैक्सेशन वाले कोर्स के उस सब की एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो भी नोट्स मैं यहां पर यूज कर रहा हूं उन नोट्स का भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Let's get started. हम लोग कल कहां थे? कल कहां थे? थे? खत्म किया था। था। चलो या, चलो भैया, यार क्या कर रहे हो? हो अरे, चलिए पर आते हैं। ये 134 है, 135, 136, 137, 138 ये है, गया था. उसके बाद question 23 से हमें आज अपना डिस्कशन करना और आपसे हो होंगे एंड टूडे विल बी योर चांस टू मैच योर आंसर ठीक है तो देखो और यहां पर भी आपको ये करना है आप जैसे एग्जामिशन वाले चैप्टर में हम लोग कर रहे थे तो आई होप उसी तरह से आप लोग यहां पर भी कर रहे हो कि पर हर uh, पॉइंट uh, 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 के लिए आप अपने आपको एक एक नंबर दे रहे हो ठीक है वैसे ही करना है एक्सवाई जेड मैं पहले स्टार्ट करने से पहले ही आप लोग यार वीडियो को लाइक कर दो और मैं ना पानी पी लेता हूं फटाफट से ठीक और आप कर दो वीडियो को लाइक ठीक जादुई बॉटल मेरी एनीवे वे एक्सवाई जेड लिमिटेड इंगेज इन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स हैज फॉलोइंग सर्विसेज इन द मंथ ऑफ सेप्टेंबर टू ठीक

हायरिंग ऑफ मोटर बस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंप्लाइज सीटिंग कपैसिटी ऑफ मोटर बसिस फॉर्टी पैसेंजर्स इसका क्रेडिट मिल जाएगा मार्केट रिसर्च सर्विसेस दस हजार अस्सी इसका भी क्रेडिट मिल जाएगा क्वालिटी कंट्रोल सर्विसेस इसका भी क्रेडिट मिल जाएगा अठारह हजार वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग ऑफिस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं मिल पाएगा ठीक टोटल कितना आया टोटल कितना आया टोटल कितना आया टोटल कितना आया टोटल टू हंड्रेड प्लस फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्लस टेन थाउजेंड एट्टी प्लस एटीन थाउजेंड टोटल आया फोर्टी एट थाउजेंड से ठीक है सर ये आपका टोटल आ गया आइए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर देखते मे टू थाउजेंड एटीन फन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड

नहीं मिलेगा कैपिटल्स इनवाइस फॉर वन आइटम वॉज मिसिंग एन जी एस पेड ऑन दट आइटमी फाइव थाउजेंड रुपीज तो अगर इनवाइस नहीं है तो आपको उस वाले अमाउंट का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा तो टू लाख फिफ्टी थाउजेंड में से ट्वेंटी माइनस कर दो so,

The company provides the following information pertaining to GST paid on the purchases made या input services availed by it during the month of January 2022. आप वीडियो को लाइक करो मैं पानी पी रहा हूं Let's see. Purchase of machinery where debit note is issued. ठीक है परचेज ऑफ मशीनरी वेयर डेबिट नोट इज इशू तो क्या फर्क पड़ता है मशीनरी परचेज किया चाहे डेबिट नोट हो चाहे इनवॉइस हो क्या फर्क पड़ता है कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए ठीक है तो एक लाख पंद्रह हजार का क्रेडिट आपको मिल जाएगा इनपुट परचेज वॉज डायरेक्टली डिलीवर टू मिस्टर जो अ जॉब वर्कर एंड अ रजिस्टर्ड सप्लायर तो इनपुट आपने खरीदा और वो डायरेक्टली जॉब वर्कर को दे दिया गया जो कि सप्लायर है तो डेफिनेटली इसका भी आपको मिल जाएगा अस्सी हजार रुपए का क्रेडिट आपको मिल जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कंप्यूटर्स परचेज डेप्रिसिएशन वॉज क्लेम ऑन द सेड जीएसटी पोर्शन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट डेप्रिसिएशन क्यों लेते हो यार ठीक। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर विद इन कंपनी प्रेमिस इमूवेबल प्रॉपर्टी बिल्डिंग कोई नहीं मिलेगा कोई नहीं मिलेगा तो बस ये हो गया वन लाख नाइनटी फाइव थाउजेंड वन लाख फाइव थाउजेंड ठीक है वन लाख नाइनटी फाइव थाउजेंड रुपीज का आपको क्रेडिट मिल जाएगा let's move on next question cloud 7 private limited a registered supplier is engaged in the manufacturer manufacturer of taxable goods the company provides the following information pertaining to gst paid on the purchases made input services available by it during the month of february 2022.

ठीक है रिसीट ऑफ गुड्स हो जाना चाहिए तो गुड्स अगर मिलेंगे तभी आपको क्रेडिट मिलेगा तो इसका भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा दट इट कितना आता है ये वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड प्लस थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड दैट्स इट फोर लाख सेवेंटी थाउजेंड फोर लाख सेवेंटी थाउजेंड आपका आ गया है ठीक है टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन आई होप आपके आंसर सही मैच कर रहे होंगे है ना मैं पानी पी लेता हूं आप वीडियो लाइक कर दो देखिए सर लमाक लिमिटेड ऑफ नासिक महाराष्ट्र अ रजिस्टर्ड सप्लायर इज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग टैक्सेबल गुड्स

फूड आइटम्स फॉर कंजन ऑफ एम्प्लाइज दीज आइटम्स पर सप्लाई फ्री ऑफ कॉस्ट द इम्प्लाइज इन यूर सर्विस रेंडेड बाई दे द मैनुफेक्चर इन द कर्स ऑफ इम्प्लामेंट इसका भी आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा कुछ बोल लो ठीक

Next question. Question number 28. XYZ Limited, a manufacturer which is engaged in the supply of taxable goods, has purchased 10,000 kgs of inputs for 10 lakh rupees exclusive of GST at 6% and SGST 6% on which input tax credit has been taken. Due to technical changes in manufacturing process, the said inputs became obsolete and their value has been written off in the books of accounts. Explain input tax credit treatment in the above case. Hoini nahi input tax credit.

एक्सपाइड लिमिटेड इगेशन सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अच्छा हम वर्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं ओके

XYZ limited conducted its 50th annual general meeting 50th annual general meeting at its head office in new delhi and availed services of delicious caterers on that occasion delicious caterers charged 15 lakh rupees plus gst at 18% for the supply of outdoor catering services you are required to advise xyz limited if it can avail input tax credit of gst paid on outdoor catering services of course not of course of course not take और इसी के साथ हमारा ये जो सेक्शन सेवनटीन फाइव वाली कहानी चल रही थी ये हमारी खत्म हो जाती है और हम लोग शुरू करते हैं सेक्शन सेवनटीन सेक्शन वन मतलब कल हम लोगों ने जब सेक्शन सेवनटीन के बारे में बात करनी शुरू की थी तो मैंने आपको क्या बताया था मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे अलग अलग टाइप की चीजें होती हैं इसमें एक तो बेसिकली दो टाइप की चीजें होती हैं एक तो अपोर्शनमेंट होता है और दूसरा क्या होता है दूसरा आपका होता है कि ब्लॉग्ड क्रेडिट्स ठीक है

टू गुड्स सर्विसेज यूज पार्टली फॉर टैक्सेबल एंड पार्टली फॉर ठीक है अब एक्जेम सप्लाइज़ के लिए आप यूज करोगे तो आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा ठीक है तो आप जितना भी पोर्शन टैक्सेबल सप्लाइज के लिए यूज करोगे आपको 17, subsection 2, if the goods or services are used partly for taxable, including zero rated supplies, क्योंकि जीरो रेटेड सप्लाईज का इनपुट मिलता है

यू मे वी कॉल दट इवन दो दिये नो जी एस टी ऑन जीरोडेड सप्लाइ आई 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 टी सी कैन स्टिल भी क्लेम टैक्स पेड ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ गड्स विच आर यूज फॉर विच आर यूज टू प्रोवाइड जीरोड सप्लाइज ठीक है जीरो डेटेडेड सप्ला जस्ट टू रिमाइंड यू होती क्या है मीन एनीज ऑफ द फॉलोइंग सलाइज ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ नेमली एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस ऑर बोथ और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑर बोथ टू स्पेश इकनॉमिक जोन डेवलपर और स्पेशल इकनिक जोन यूनिट ठीक है एक्जेम्ट सप्लाइज कौन कौन सी होती है निल uh, रेट वाली होती हैं ठीक है होली एग्जेम्ट uh, वाली होती है और नॉन टैक्सेबल सप्लाईज होती है ठीक तो ये सारी हम लोग पढ़ चुके हैं बट रिवाइज करवा रहा पर। अब section 17, 2 में हम लोगों ने क्या देखा सेक्शन सेवनटीन टू में हम लोगों ने देखा कि अगर आप इनपुट्स यूज कर रहे हो पार्टली फॉर टैक्सेबल सप्लाईज के लिए पार्टली फॉर एक्जेम सप्लाईज के लिए तो पार्टली फॉर टैक्सेबल जितना पोर्शन आप टैक्सेबल सप्लाईज के लिए यूज करोगे उतने का आपको क्रेडिट मिलेगा ठीक है अब कैसे पता चलेगा कोई गुड्स अगर कोई किसी गुड्स का कितना पोर्शन आपने टैक्सेबल के लिए यूज किया कितना आपने एग्जाम के लिए यूज किया ये कैसे पता चलेगा तो इससे रिलेटेड रूल्स रूल्स है इससे रूल्स है इससे रिलेटेड और वो रूल्स सीए इंटरमीडिएट के सिलेबस में नहीं है ठीक है वो रूल्स सी इंटरमीडिएट के सिलेबस में नहीं है तो मस्त ठीक सेक्शन सेवनटीन फोर एक ऑप्शनल मेथड बताता है बैंक्स वगैरह के लिए सेक्शन 17 वन टू थ्री हो गया सेक्शन सेवनटीन फोर ऑप्शनल मेथड बताता है बैंक्स के लिए कि आप एक काम करो अपना फिफ्टी परसेंट इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लो ठीक है जो भी आपका टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट है ब्लॉक्ड वाला नहीं आप क्योंकि बैंक्स क्या करते हैं बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कई सारी सर्विसेज टैक्सेबल होती हैं कई सारी सर्विसेज नॉन टैक्सेबल होती हैं राइट तो बैंक्स के लिए और कितने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं इसलिए बैंक्स वगैरह के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कैसे ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखें कि कितने को टैक्सेबल दिया है कितनों को नॉन टैक्सेबल दिया है तो सिर्फ टैक्सेबल वालों के लिए जो इनपुट्स यूज किए हुए उसी का आपको आई मिलेगा जो एक्जेम सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं उसके लिए जो भी गुड्स यूज किए उस पर आई नहीं मिलेगा Credit, मतलब वो वाले जो नहीं है राइट एलिजिबल इनपुट टैक्स का फिफ्टी परसेंट ले लो एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट का सिर्फ फिफ्टी परसेंट आप ले लो तो ये ऑप्शन है आपके पास अगर आप प्रॉपरली बुक्स अगर आप प्रॉपरली मेंटेन कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है नहीं तो फिफ्टी परसेंट ले लो banks etc provide a lot of services some of which are exempt therefore as per section 17 subsection 2 and 17 subsection 3 the proportion of eligible itc proportion of eligible itc needs to be calculated which is calculated as per rules 42 and 43 which are not in our syllabus if a bank doesn't want to do that an optional method for finding out the eligible itc is given in section 17 subsection 4 kya hai a banking company or a financial institution, including an NBFC, which accepts deposits or extends loans or advances, has the option to either comply with the provisions of Section 17, Subsection 2, but the rules 42, 43, use, or avail of every month, avail, every month, an amount equal to 50% of the eligible input tax credit of inputs on capital goods and input services in that month, and the balance amount of input tax credit shall be reversed in form GSTR 3B.

तो उसने सप्लायर ने मेरे से जब जीएसटी चार्ज किया तो उसने अपना जीएसटी किया तो मेरे जीएसटी आर टू में दिखेगा ही दिखेगा ठीक है नाउ आई हैव टू अप्लाई right? तो फिर मुझे पता है क्योंकि सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में मोटर कार पर मोटर व्हीकल्स पर जीएसटी ब्लॉक्ड है आईटीसी टीसी ब्लॉक है इसलिए मेरे को उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा ठीक

23 के लिए अमेंडमेंट है। पहले लिखा हुआ था लैप्स, ठीक है? अब हो गया विदेंटिटीड परसेंट क्रेडिट ऑफ सच टैन भी, भी। तो इसका ये है, है। मतलब अपनी ही बैंक ने अगर अपनी ही किसी ब्रांच से लिया ठीक है अगर अपनी ही किसी ब्रांच से कुछ इनपुट गुड्स या सर्विस ली तो उस पर 100% आपको आईटीसी मिल जाएगा आप ब्रांच आप बैंक हो आप अलग अलग जगहों से सामान खरीद रहे हो सर्विसेज सर्विसेज ले रहे हो। अगर उन में से कोई एक सर्विस ऐसी है, जो ऑफ टैक्स इनपुट इनपुट सर्विसम्स इन एलिजिबल हो गई दिस ऑप्शनिंग ऑफ द फाइनेंशियल एक बार अगर कर लिया तो पूरे साल आप इसी तरह से काम करो ठीक है अब आइए सर क्वेश्चन नंबर थर्टी टू पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी टू क्या कह रहा है ठीक देखो सर पंजाब नेशनल बैंक प्रोवाइड देशन फॉर द मंथ ऑफ नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ठीक है मंथ ऑफ नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू पर्टिक्युलर क्या कहना है एलिजिबल इनपुट टैक्स सीजीएसटी एंड एस डी एस टी अवेलेबल ऑन इनपुट्स रिसीव्ड सोलह हजार बीस सोलह हजार बीस ठीक है ये एलिजिबल इनपुट टैक्स है अवेलेबल है

ठीक है और ये आपके इनपुट ये आपके राइट यहां पर तो आपको अलग अलग दिया हुआ है तो एग्जेंट वाले के अगेंस्ट कुछ भी यूटिलाइज नहीं होगा और टैक्सेबल वाले के अगेंस्ट यूटिलाइज हो जाएगा ठीक है एग्जेम्ट वाले के अगेंस्ट कुछ भी यूटिलाइज एग्जेप वाले के अगेंस्ट यूटिलाइज नहीं होगा और टैक्सेबल वाले के अगेंस्ट यूटिलाइज हो जाएगा एक्चुअली आई एम वेरी सॉरी मैंने गड़बड़ बता दिया गड़बड़ मैंने ये बता दिया गड़बड़ बता दिया सॉरी गड़बड़ी ये हुआ कंसोलिडेटेड वाली चीज जो मैंने बताई वो गड़बड़ थी ठीक है क्योंकि कंसोलिडेटेड uh, तो ये है ना जो आपने इनपुट्स लिए या जो आपने इनपुट सर्विसेज ली वो कंसोलिडेटेड है उनका आपने जो इस्तेमाल किया वो टैक्सेबल और एग्जम्प्ट दोनों के लिए किया ठीक है अब इनका अपोर्शनमेंट आपको करना होगा वेरी सॉरी फॉर दैट इनका अपोर्शनमेंट आपको करना होगा ठीक है तो जो आपने इनपुट्स लिए उस इनपुट्स पर जो भी आपने टैक्स टैक्स पे किया उसका अपोर्सन करो या तो कर यूटिलाइज तो कर तो 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 करेंगे तो हम कौन सी सर्विस ग्यारह लाख रुपए का जो हमारी टैक्सेबल सप्लाईज है इससे हम आउटपुट लाइबिलिटी निकालेंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी उसके बाद ये जो आपका सीजीएसटी है इसका फिफ्टी परसेंट यूटिलाईज करेंगे

तो यहां पर देखो आईटीसी अवेल की सोलह प्लस ग्यारह ठीक है 16,020 प्लस 11340 ये सीजीएसटी की आईजीएसटी हम सीजीएसटी uh, की आईटीसी हमने अवेल की कितनी है 16020 प्लस 11340 कितना आया सत्ताईस हजार तीन सौ साठ सत्ताईस हजार तीन सौ साठ सत्ताईस हजार तीन साठ ये देखो यहां पर इसको लैप्स नहीं होना चाहिए इसको आप अपने में चेंज कर लीजिएगा एंड रिवर्स अंडर जीएसटी आर थ्री ठीक है कंप्यूटेशन ऑफ आई टीसी अबील एंड रिवर्स अंडर जीएसटी आर थ्री बी ठीक है एंड रिवर्स अंडर जीएसटी आर थ्री बी रिवर्स इन फॉर्म जीएसटी आर थ्री बी फॉर्म मैं आपके नोट्स में साथ साथ सही कर दे रहा हूं ठीक है फॉर्म जीएसटी आर थ्री बी ठीक है आपको जो नोट्स होगा साथ साथ सही कर देना रहा रिकॉर्डिंग करते करते ठीक तो क्या हुआ टोटल एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल कितना है तो सत्ताईस हजार तीन सौ साठ सी का और एसजीएसटी का कितना हुआ सोलह हजार बीस प्लस ग्यारह हजार तीन सौ चालीस सोलह जीरो बीस प्लस ग्यारह तीन सौ चालीस कितना हुआ ट्वेंटी तो एस भी यही हो गया ट्वेंटी ऑब्वियसली सेम ही आएगा ठीक है अब 50% परसेंट लैप्स हो गया मतलब 50% परसेंट टू बी रिवर्स्ड रिमेनिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स्ड इन फॉर्म जीएसटीआर आर 50% फिफ्टी परसेंट आप लोगे फिफ्टी परसेंट रिवर्स हो जाएगा ठीक है थर्टीन सिक्स एट्टी थर्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड एट्टी थर्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड एट्टी ठीक है, है, और SGST आपने जितना भी पे किया है, उसका 50 आप अवेल कर पाओगे, 50 हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा ठीक है तो यहां पर भी मैं इसको चेंज कर देता हूं रिवर्स इन फॉर्म जीएसटी आर थ्री आपको जो नोट्स मिलेंगे उसमें अपडेटेड रहेगा करेक्टेड रहेगा ठीक है, रहे है अब हमारी जो टैक्सेबल सप्लाईज है वो क्या है ग्यारह लाख रुपए ग्यारह लाख की टैक्सेबल टैक्स है इस पर सीजीएसटी एसजीएसटी निकालेंगे रेट कुछ मेंशन नहीं है तो रेट हम नाइन परसेंट चलते हैं तो रेट मेंशन नहीं है तो यहां पर देखो टैक्स लाइबिलिटी ऑफ बैंक बिफोर अवेलिंग एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ इलेवन लाख रुपीज ठीक है तो इलेवन लाख ,00 रुपीज पर नौ परसेंट नौ परसेंट इलेवन लाख रुपीज पर 99,000, 99,000. कितना वन लाख ,00, 98,000. एट थाउजेंड ठीक है अब इसमें से हमें कितना मिलेगा तो नेट एलिजिबल सीजीएससी क्रेडिट अवेलेबल और इनपुट्स या इनपुट सर्विसेज कितना यह है थर्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड एट्टी थर्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड एट्टी ठीक है और सिमिलरली एस जी एस टी भी वही होगा थर्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड एट्टी थर्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड एट्टी तो थर्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड एटी टोटल ये और थर्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड एट्टी ये हुआ तो नाइनटी नाइन थाउजेंड माइनस थर्टीन सिक्स एट्टी एटी फाइव थ्री ट्वेंटी एटी फाइव थ्री ट्वेंटी एटी फाइव थ्री ट्वेंटी वन नाइनटी एट माइनस थर्टीन सिक्स एट्टी माइनस थर्टीन सिक्स एट्टी वन सेवेंटी सिक्स आई होप आपको यह चीज समझ में आ रही है ठीक है बैंक्स ने टैक्सेबल सर्विस भी प्रोवाइड की और एग्जेम सर्विस भी प्रोवाइड की एग्जेम के अगेंस्ट तो कोई क्रेडिट मिलेगा नहीं ठीक है और एग्जेम्ट का जो भी एग्जेम पर जो भी आउटपुट लाइबिलिटी आएगी वो भी पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो है राइट तो जो टैक्सेबल सर्विसेज 11 लाख इस पर हमने आउटपुट लाइबिलिटी कैलकुलेट की आउटपुट लाइबिलिटी आई हमारी 9 परसेंट के रेट से ये 99,000 ये 99,000 ठीक है हमने इनपुट्स पर कितना टैक्स पे किया है इतना सीजीएसटी पे किया है इतना एसजीएसटी पे किया है सेक्शन सेवनटीन सबसेक्शन 4 के हिसाब से 50 परसेंट का क्रेडिट हमें मिलेगा दैट्स इट ठीक है हम पचास परसेंट ही यूटिलाइज कर सकते हैं बस इतनी सी बात है तो हमने पचास परसेंट निकाला पचास परसेंट लैप्स कर दिया मतलब रिवर्स कर दिया और उस पचास परसेंट का हम लोगों ने क्रेडिट ले लिया ठीक है आओ सर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने <coughs> Yes Bank having a branch. Yes Bank having a branch in Jaipur, engaged in supply of services by way of accepting deposits and extending loans, opted for the option to avail credit of 50% of input tax of the month to which input tax relates under Section Seventeen, Subsection 4 ठीक है? अब ये bank है, इसने Section Seventeen, Subsection 4 को ऑप्ट करने का डिसीजन लिया। मतलब 50 परसेंट क्रेडिट ये अवेल करेगा, बाकी 50 परसेंट ये GSTA Three B में रिवर्स कर देगा। Its head office in Mumbai and branch uh, its head office is in Mumbai and branch is in Ahmedabad. इनपुट टैक्स क्रेडिट सी जी एस टी एंड एस जीएसटी 22 फॉर 90,000 ट्वेंटी थाउजेंड इंक्लूड्स अब देखो 90,000 रुपए में क्या क्या इंक्लूडेड है 90,000 रुपए में क्या क्या इंक्लूडेड है 90,000 रुपए का टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट है इस 90,000 रुपए में क्या क्या इंक्लूडेड है ध्यान देना टोटल इनपुट टैक्स टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट इंक्लूड्स क्रेडिट रिलेटिंग टू सर्विसेज फ्रॉम इट्स ज अवेल्डिसमेंट की दूसरी ब्रांच से कोई सर्विस लेता है और उस पर जीएसटी पे करता है तो उसका हंड्रेड परसेंट क्रेडिट मिल जाता है हंड्रेड परसेंट क्रेडिट मिल जाता है ठीक है तो इस एटीन थाउजेंड का हंड्रेड परसेंट क्रेडिट मिल जाएगा एटीन थाउजेंड का हंड्रेड परसेंट क्रेडिट मिल जाएगा ठीक आउटडोर केटरिंग सर्विस नहीं ये है, ठीक है? हमें जो 50 करना होता है वो एलिजिबल क्रेडिट का 50 परसेंट करना होता है इसलिए इतनी देर से मैं बार 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 इसको कह रहा था ठीक है हमें जो फिफ्टी परसेंट करना होता है वो एलिजिबल क्रेडिट का 50 परसेंट करना होता है राइट तो हम इस 90000 में से सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से हम इस 90000 में से इन एलिजिबल वालों को माइनस कर देते हैं तो 90000 में से मैं सबसे पहले इस 18000 को भी माइनस करूंगा इस 18000 को अरे क्यों सर इस पे तो आपको ये तो एलिजिबल है 100% मिल जाएगा इसीलिए माइनस करूंगा जिससे जो भी बचे उसका 50% ले पाऊं इस 18000 पे तो 100% का क्रेडिट मिल जाएगा ना?

और आपने बिजनेस के लिए यूज किया आपको इसका मिल जाएगा। ये आपको करने की कोई जरूरत नहीं है तो फिर यह भी आप माइनस करो क्योंकि ये भी आपका इन एलिजिबल हो जाता है अब जो भी बचेगा वो आपका एलिजिबल होगा इसका 50% आप अवेल कर पाओगे इसका 50% आप यूटिलाइज कर पाओगे और बचा हुआ 50% लैप्स हो जाएगा और ये जो अठारह हजार है ये आप हंड्रेड परसेंट यूटिलाइज कर पाओ ठीक है आओ इसको प्रॉपरली लिख के सॉल्व करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा लेट्स सी क्या है टोटल uh, आपके पास 90000 थाउजेंड माइनस एटी थाउजेंड कर दो ना 90000 थाउजेंड माइनस एटीन थाउजेंड से स्टार्ट करते हैं तो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल कितना है नाइनटी थाउजेंड माइनस एटीन थाउजेंडी एटीन थाउजेंड माइनस क्योंकि वो एटीन थाउजेंड पर हंड्रेड परसेंट अवेलेबल है ठीक है तो नाइनटीन थाउजेंड माइनस एटीन थाउजेंड कितना हो गया सेवेंटी टू थाउजेंड सेवेंटी टू थाउजेंड ही हो गया ठीक इसमें से आउटडोर केटरिंग वाला माइनस कर दे आउटडोर केटरिंग वाला क्या है फोर्टीन और क्या है गुड्स आर एप बिकम ऑप्सलिट टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड माइनस कर दें ऑडिटिंग सर्विस ये माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है गुड्स विच आर यूज फॉर पर्सनल पर्पज पर्सनल यूज ऑफ द इंप्लाई सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये भी माइनस कर दे ठीक है फोर्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड प्लस टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्लस सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड इसको माइनस किया जाए सेवेंटी टू थाउजेंड में से बाकी नहीं तो इसका फिफ्टी परसेंट देखा जाए तो ट्वेंटी फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड आता है ठीक है जो एटीन थाउजेंड था ये वाला ये मैं पूरा का पूरा यूज कर सकता हूं तो ये आ गया आपका एटीन थाउजेंड इधर ठीक है ये आ गया एटीन थाउजेंड पूरा का पूरा इधर तो अब मेरे पास जो टोटल आईटीसी आया जो मैं यूज कर सकता हूं वो है ट्वेंटी फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड प्लस एटीन थाउजेंड फोर्टी टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर्टी टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड आया और ट्वेंटी फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड मेरा रिवर्स करना पड़ेगा अंडर इन फॉर्म जीएसटी थ्री ठीक है ये देखो फोर्टी एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड है इसका 50% परसेंट मैंने लिया यहां पर और 50% परसेंट यहां पर मेरे को जीएसटीआर 3बी में रिवर्स करना होगा ठीक है 50% परसेंट मैं ले लूंगा 50% परसेंट मुझे जीएसटीआर 3बी में रिवर्स करना होगा आई होप यहां तक की बात सबको क्लियर है डन आगे चलते हैं सेक्शन 17 सब सेक्शन 6 गवर्नमेंट हैज द पावर्स क्या है as per सेक्शन 17 सब सेक्शन 6 As per Section 17 Subsection 6, the government may prescribe the manner in which the credit referred to in Subsections 1 and 2 may be attributed. ठीक है? तो government में वो one और two वाला क्या था? वही uh, eligible non eligible वाला कि कितना taxable के लिए आएगा, कितना uh, non taxable के लिए आएगा। तो इसके लिए सरकार कह रही है कि हमारे पास power है, हम rules बना सकते हैं। हाँ भैया, आप ही rules बनाएँगे। ठीक है? और इसी के साथ हमारा Section 17 clear हो जाता।

ठीक है इसको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ते पूरा डिटेल में आप लोग पढ़ लेना ठीक है मैं आपको इसका पूरा का पूरा जिस्ट एक बार समराइज कर देता हूं जिस्ट समरी ए है ठीक है अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से अभी हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और कायदे से चीजें समझ में आएंगी ठीक है सबसे पहले देखो हमारे पास तीन टाइप के टैक्सेस है CGST, SGST, IGST. बहुत ध्यान से सुनना कुछ किताब किताब मत देखो नोट्स मत देखो ठीक है ध्यान से मेरी बात सुनो हमारे पास तीन टाइप के टैक्सेस हैं CGST, SGST, IGST. ठीक है इनकी हमारे पास आउटपुट लाइबिलिटीज आती हैं इसमें से हमने जो भी टैक्स पे किया हुआ होता है वो CGST भी हो सकता है SGST भी हो सकता है IGST भी हो सकता है तो हमारे पास इनके क्रेडिट्स रहते हैं हम आउटपुट लाइबिलिटी में से क्रेडिट्स को यूटिलाइज करते हैं जो रिमेनिंग होता है उसको पे ऑफ करते हैं ठीक जीएसटी की पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि आईजीएसटी का क्रेडिट कैन बी सेट ऑफ कैन बी यूटिलाइज अगेंस्ट सीजीएसटी और एसजीएसटी एज वेल ठीक है आई जी एस टी का क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज अगेंस्ट सीजीएसटी लाइबिलिटी और एसजीएसटी लाइबिलिटी एज वेल सी जी एस टी का जो भी क्रेडिट होता है दैट कैन बी यूटिलाइज अगेंस्ट आई जी एस टी लाइबिलिटी दैट के नॉट बी यूटिलाइज अगेंस्ट एसजीएसटी की लाइबिलिटी

कैसे खत्म करोगे सबसे पहले तो आईजीएसटी की लाइबिलिटी कर दो ठीक है आई जीएसटी का लाइबिलिटी है आईजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी की लाइबिलिटी के अगेंस्ट सेट ऑफ अगर मान लो आईजीएसटी का उसके बाद भी कुछ क्रेडिट बच गया तो सीजीएसटी या एसजीएसटी की लाइबिलिटी के अगेंस्ट आप कर सकते हो ठीक है एकदम सिंपल फंडा सबसे पहले आईजीएसटी का क्रेडिट आप किसके अगेंस्ट सेट ऑफ करोगे किसके अगेंस्ट यूटिलाइज करोगे आईजीएसटी की लाइबिलिटी के अगेंस्ट आप यूटिलाइज करोगे अगर आईजीएसटी का क्रेडिट उसके बाद कुछ अनयूटिलाइज पड़ा हुआ होता है तो आप उसको सीजीएसटी या एसजीएसटी की लाइबिलिटी के अगेंस्ट यूटिलाइज कर सकते हो इन एनी प्रोपोर्शन वॉट सो एवर आपकी मर्जी ऐसा कुछ नहीं है कि पहले सीजीएसटी के अगेंस्ट करोगे फिर एसजीएसटी के अगेंस्ट करोगे या पहले एस जी एस सी के अगेंस्ट करोगे फिर सीजीएससी के अगेंस्ट करोगे नहीं ऐसा भी नहीं है कि पूरा का पूरा आपको एक ही में करना पड़ेगा आपका मन है सपोज एक लाख रुपए का आईजीएससी का क्रेडिट था ठीक है सपोज सिक्सटी थाउजेंड का क्रेडिट लायबिलिटी के की लाइबिलिटी हो गया अभी रुपीस का आईजीएसटी का क्रेडिट पड़ा हुआ है आप अपनी मर्जी से खेलो टेन थाउजेंड का सीजीएससी की ट्वेंटी थाउजें का सीजीएससी अगेंस ट्वेंटी था का जीएससी के अगेंस्ट कर, कर, कर लो पूरा फोर्टी थाउजेंड के की अगेंस्ट कर लो पूरा फोर्टी थाउजेंड एस जीएससी की कर लो कंप्लीटली आपकी चॉइस कंप्लीटली आपकी चॉइस है लेकिन किसी भी और क्रेडिट यूज करने से पहले सीजीएसटी का या एसजीएसटी का क्रेडिट यूज करने से पहले मेक श्योर sure के आई जी का क्रेडिट कंप्लीटली यूटिलाइज हो चुका है मतलब आईजीएसटी का क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड कम से कम हो उतना बेहतर है ठीक है तो आईजीएसटी का क्रेडिट पहले अगेंस्ट आईजीएसटी लाइबिलिटी आईजीएसटी का क्रेडिट फर्स्ट टू बी यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी देन टू बी यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ सीजीएसटी और एसडीएससी यूटीजीएससीट दी ऑप्शन ऑफ टैक्सेबल पर्सन ठीक है फिर CGST या सीजीएससी का क्रेडिट आप तभी यूटिलाइज करोगे जब आईजीएससी का क्रेडिट पूरी तरह से एक बार यूटिलाइज हो चुका है तो ठीक सीजीएससी का क्रेडिट आप सबसे सब पहले सीजीएससी की लाइब्रेटी के अगेंस्ट यूटिलाइज करो उसके बाद आईजीएसटी उसके बाद आईजीएसटी ठीक है लेकिन सीजीएससी का क्रेडिट आईजीएसटी की लाइब्रिलिटी के अगेंस्ट आप तभी यूटिलाइज करोगे कि पहले आईजीएसटी का क्रेडिट यूटिलाइज हो चुका है ठीक है अगर आईजीएसटी का क्रेडिट पड़ा है तब आप कह रहे हो कि नहीं नहीं जीएससी की लाइब्रेटी के अगेंस्ट आई जीएससी का क्रेडिट नहीं मैं तो सीजीएससी का क्रेडिट यूटिलाइज करूंगा तो ये अलाउड नहीं है सिमिलरली एस का क्रेडिट पहले आप एसजीएससी की लाइब्रिटी के अगेंस्ट यूटिलाइज करो फिर आप आईजीएसी की लाइब्रेटी के अगेंस्ट यूटिलाइज कर लो लेकिन आईजीएससी की लाइब्रिटी के अगेंस्ट आप तभी यूटिलाइज करोगे पहले आईजीएससी का क्रेडिट यूटिलाइज हो चुका है तब राइट सीजीएससी का क्रेडिट एस के अगेंस्ट यूटिलाइज नहीं हो सकता एस जीएससी का क्रेडिट सी के क्रेडिट के अगेंस्ट यूटिलाइज नहीं हो सकता इट्स एज सिंपल एज दैट ठीक है सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा क्वेश्चंस करेंगे बहुत आराम से चीजें क्लियर होती आएंगी ठीक है आइए सर क्वेश्चन किए जाए अमाउंट ऑफ आई टी सी अच्छा ये एग्जाम्पल बेकार है ठीक है एग्जाम्पल एग्जाम्पल छोड़ो आओ सीधा क्वेश्चन पर आते हैं ठीक है एग्जाम्पल वगैरह आप लोग अपने आप से कर सकते हो अपने आप से पढ़ सकते हो तो हम लोग सीधा क्वेश्चन पर आ जाते हैं देखो जी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द नेट जीएसटी पेबल फॉर द मंथ ऑफ मार्च टू नेट जीएसटी पेबल हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो देखो पर्टिकुलर सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी आउटपुट जीएसटी आपका 2000 15000 24000 है और ओपनिंग आईटीसी एज पर क्रेडिट लेजर सीजीएसटी का नील है एसजीएसटी का 1000 है और आईजीएसटी का थर्टी सेवन थाउजेंड रुपीज का है ठीक अब देखो मैं आपको पहले ऐसे ही समझाता हूं उसके बाद हम लोग इसमें करेंगे जैसे भी इसमें किया हुआ है है ठीक पहले मैं आपको ऐसे ही समझाता हूं समझाताइबिलिटी आईजीएससी की ट्वेंटी फोर थाउजेंड है और आईजीएसटी का क्रेडिट थर्टी सेवन थाउजेंड है सबसे पहले आईजीएसटी के क्रेडिट को आप यूटिलाइज करोगे अगेंस्ट ट्वेंटी फोर थाउजेंड कितना बचेगा थर्टी सेवन थाउजेंड माइनस ट्वेंटी फोर थाउजेंड कितना बचा थर्टीन थाउजेंड बचा अब ये जो का है, जी एस टी की लाइबिलिटी हो आप एस जी एस टी की यूटिलाइज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर मूड आपका मैंने इसको थोड़ा थोड़ा करके यूटिलाइज करूं आपकी मर्जी जिसके अगेंस्ट आपके यूटिलाइज करने का मन है आप उसके अगेंस्ट उसको यूटिलाइज कर दीजिए ठीक है All right. अब देखो, आओ मैं आपको दिखाता हूं आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी हमारी बड़ा मजेदार है ये बहुत ध्यान से समझ रही है प्रैक्टिकल पर्पजेस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है मतलब इवन बियॉन्ड एग्जाम्स और एग्जाम में भी इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे अभी हम लोग थोड़ी देर में मतलब uh, थोड़े दिनों में वो वाला चैप्टर करेंगे ना पेमेंट ऑफ टैक्स तो पेमेंट ऑफ टैक्स में इसका बहुत तगड़ा रोल होने वाला है जो चीज अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं ठीक है थीके? तो पेमेंट ऑफ टैक्स में भी प्लस इससे रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चन भी आया ही हुआ है एग्जाम में आप देखें ठीक है वीडियो लाइक कर दो फटाफट से देखो आउटपुट लाइबिलिटी कितनी है 2000, ,000, ,000. दो हजार पंद्रह हजार चौबीस हजार आउटपुट लाइबिलिटी दो हजार पंद्रह हजार चौबीस हजार ठीक है सबसे पहले आईजीएसटी के क्रेडिट को यूटिलाइज करेंगे सैंतीस हजार का क्रेडिट यूटिलाइज किया तो आईजीएसटी की लाइबिलिटी तो चौबीस हजार ही है आईजीएसटी की लाइबिलिटी जो है वह चौबीस हजार है अब उसके बाद जो तेरह हजार बचा अब आप मेरे को बताओ तेरह हजार को मैं किसके अगेंस्ट यूटिलाइज करूं क्या मैं सीजीएसटी के अगेंस्ट यूटिलाइज कर क्या मैं दो हजार यूटिलाइज कर लू बारह हजार में इसके अगेंस्ट यूटिलाईज सॉरी ग्यारह हजार में इसके अगेंस्ट यूटिलाइज करूं क्या मैं ऐसा करूं? करूं? करूं या मैं पूरा का पूरा तेरह हजार मैं पूरा का पूरा तेरह हजार एस जी एस टी के अगेंस्ट यूटिलाइज कर लू मैं क्या करूं ठीक है तो मैं कैसे भी कर सकता हूं कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन लॉजिकली अगर सोचो ना अगर आप लॉजिकली सोचो तो क्या करना चाहिए लॉजिकली आपको उसके अगेंस्ट यूटिलाइज करना चाहिए पहले जिसका कोई भी क्रेडिट नहीं है लॉजिकली उससे क्या होगा ना अल्टीमेट जो कैश लाइबिलिटी आएगी अल्टीमेट जो नेट अमाउंट पेबल आएगा ना वो मिनिमम आएगा वो मिनिमम आएगा अभी हम लोग और क्वेश्चन करेंगे तो आपको और धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी अभी मैं आपको सिंपली एक रूल बता रहा हूँ आई का जो रिमेनिंग अनयूटिलाइज क्रेडिट होता है उसको आप सी जी एस सी के अगेंस्ट कैसे भी यूटिलाइज कर सकते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है बट प्रैक्टिकली अगर सोचो मेरे पास क्रेडिट भी पड़ा हुआ है और मुझे कैश भी देना पड़ रहा है कितनी बेवकूफी वाली बात है ठीक है तो मैं सबसे पहले आईजीएसटी का क्रेडिट उसके अगेंस्ट यूटिलाइज करूंगा उस वाली के अगेंस्ट यूटिलाइज करूंगा जिस लाइबिलिटी के लिए मेरे पास कोई क्रेडिट ही नहीं है तो जैसे इधर अभी मेरे पास सीजीएसटी का कोई क्रेडिट ही नहीं है आप देखो सीजीएसटी का मेरे पास क्रेडिट नील पड़ा हुआ है तो सीजीएसटी की लाइबिलिटी के अगेंस्ट में दो हजार रुपए को यूटिलाइज करूंगा और बचा हुआ मैं इधर यूटिलाइज करूंगा ग्यारह हजार रुपए बचा हुआ मैं इधर यूटिलाइज करूंगा ग्यारह हजार रुपए ठीक है तो अभी चार हजार रुपए की मेरे पास लाइब्रेटी आई एसजीएसटी की एसजीएसटी का क्रेडिट मेरे पास कितना है एक हजार रुपए का एसजीएसटी का क्रेडिट पड़ा हुआ है तो तीन हजार रुपए अब मेरी एसजीएसटी की फाइनल आउटपुट निकल कर आई ठीक है तीन हजार रुपए मेरे को अल्टीमेटली फाइनली पे करना होगा आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ रही है ठीक है आप बोलोगे सर क्या ही फर्क पड़ा अगर आप यहां पर ऐसे कर देते अगर आप पूरा तेरह हजार यहां पर कर देते पूरा तेरह हजार यहां पर कर देते ठीक है तो और सी के अगेंस्ट कुछ नहीं करते तो यहां पर दो हजार रुपए सीजीएससी की लाइबिलिटी आती दो हजार रुपए की एसजीएससी की लाइबिलिटी आती एक हजार रुपए आप एस का यहां पर क्लेम कर लेते दो हजार रुपए आपको सी पे करना होता एक हजार आपको एसजीएसटी पे करना होता अभी भी तो आपका तीन आ रहा है यस yes, इस वाले केस में आ गया चांस की बात है ठीक है इस वाले केस में आ गया चांस की बात है आप करना चाहो आप ऐसे भी कर सकते हो आप ऐसे भी कर सकते हो लेकिन जो प्रैक्टिकली होता है वो क्या होता है आप आईजीएसटी के क्रेडिट को और इसको लॉजिकली सोचोगे ना तो आपको और आराम से समझ में आएगा अभी दो तीन क्वेश्चन हम लोग और आगे के भी करेंगे तो आपको समझ में आएगा आईजीएसटी का जो भी क्रेडिट है आप पहले उस लाइबिलिटी के अगेंस्ट यूटिलाइज करो जिस लाइबिलिटी में कोई क्रेडिट ही नहीं है या कम क्रेडिट है या कम क्रेडिट है ठीक है एक काम करते हैं लेट्स नॉट वेस्ट टाइम मैंने आपको बता तो दिया ठीक है अभी क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको इसकी क्लैरिटी और आ जाएगी ठीक है क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको इसकी क्लैरिटी अभी और आएगी लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव लेट्स सप्लायर ऑफ गुड्स पेज जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम दी अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल एंड आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी अंडर डिफरेंट टैक्स आज अंडर एसजीएसटी यूटीजीएसटी दिया हुआ है और का कितना -कितना है वो भी आपको, दिया हुआ है. As अभी इस वाले में आपको और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी मिनिमम जीएसटी कम से कम जीएसटी पे करना है तो सबसे पहले आईजीएसटी का क्रेडिट यूटिलाइज किया जाता है सबसे पहले आईजीएसटी का तो आउटपुट टैक्स लाइब्रेटी हमारी कितनी है सीजीएसटी आठ सौ ढाई हजार दो हजार आठ सौ ढाई हजार दो हजार ये आठ सौ ढाई हजार दो हजार सी जी एस सी एसजीएससी आईजीएससी अच्छा अब देखो सबसे पहले आईजीएससी का क्रेडिट यूटिलाइज करोगे चार हजार रुपए है तो यहां पर दो हजार यहां यूटिलाइज कर लिया ठीक है दो हजार रुपए यहां पर यूटिलाइज कर दिया अब आप किसके अगेंस्ट यूटिलाइज करोगे सीजीएसटी के अगेंस्ट यूटिलाइज करोगे या एसजीएसटी के अगेंस्ट यूटिलाइज करोगे लेट्स सी 2000 का क्रेडिट आईजीएसटी का पड़ा हुआ है सीजीएसटी की लाइबिलिटी या की जीएसटी के अगेंस्ट यूटिलाइज करोगे देखो सिंपल फंडा क्या है सीजीएसटी 800 और 2000 का क्रेडिट पड़ा हुआ है तो क्या सीजीएसटी को जरूरत है आईजीएसटी की इसको ऐसे समझना ठीक है सीजीएसटी की 800 की लाइबिलिटी है CGST की 800 की लायबिलिटी है और ढाई हजार का क्रेडिट पड़ा हुआ है सीजीएसटी का नहीं लेकिन सिर्फ आठ सौ तो क्या और जी का क्रेडिट को जरूरत है आई जी एस टी की हां तो आई जी एसजीएसटी को दो आईजीएसटी बचा हुआ जो है वो एसजीएसटी के लाइब्रिटी को दो ठीक अब क्या हुआ आठ सौ रुपए सीजीएससी की लाइब्रिटी आई यहां पर पांच सौ रुपए की लाइबिलिटी बची और ये नील हो गया ठीक है अब ये सीजीएसटी का जो है दो हजार की दो हजार का क्रेडिट है इसको आप यहां पर यूटिलाइज कर सकते हो या चलो पहले एसजीएसटी को कर लो एसजीएसटी का अब जो पांच सौ रुपए का क्रेडिट है उसको आपने यहां पर यूटिलाइज कर लिया ठीक है अभी सीजीएसटी की आठ सौ की लाइबिलिटी ये निल, ये निल। और अब सीजीएसटी का जो दो हजार का क्रेडिट है सीजीएसटी का जो दो हजार का क्रेडिट है वो आपने 800 सौ यहां पर यूटिलाइज कर लिया और अब निल निल मिनिमम पेमेंट कितना आ गया मिनिमम पेमेंट आपका निल आ गया है और सी का अभी भी एक हजार दो सौ रुपए का क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड हो रहा है ठीक है सीजीएसटी का अभी भी एक हजार दो सौ रुपए का कैरी फॉरवर्ड हो रहा है अब सुनो इसी क्वेश्चन में मैं आपको समझाता हूं अगर मान लो यहां पर दो हजार रुपए आपने एसजीएसटी में नहीं यूटिलाइज किया होता पहले सीजीएसटी में यूटिलाइज कर लिया होता तो क्या होता लेट सी

एस जी एस टी का कितना क्रेडिट है एसडीएसटी का क्रेडिट है पांच सौ रुपए एसडीएससी का क्रेडिट है पांच सौ रुपए तो आप इसके अगेंस्ट पांच सौ रुपए ही यूटिलाइज कर सकते हो आप आप किसके आप इसके अगेंस्ट पांच सौ रुपए ही यूटिलाइज कर सकते हो तो वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड माइनस फाइव हंड्रेड आपको आठ सौ रुपए अभी भी पे करना पड़ेगा क्या आपको बात समझ में आ रही है आपको एस जी एस सी आठ सौ अभी भी पे करना पड़ेगा सर पर CGST का भी तो क्रेडिट है दो हजार रुपए का हाँ पर क्या CGST का क्रेडिट आप एस जी एस सी की लाइबिलिटी के अगेंस्ट यूटिलाइज कर सकते हो नहीं CGST का क्रेडिट आई जी एस टी की लाइबिलिटी के अगेंस्ट यूटिलाइज हो सकता है एस जी एस सी की लाइबिलिटी के अगेंस्ट नहीं यूटिलाइज हो सकता एंड ऑन इसीलिए आपको जो रिमेनिंग बचा हुआ आई जी एस टी होता है

ठीक है तो आपकी एसडीएससी की लाइबिलिटी भी कुछ नहीं आती आठ सौ रुपए की लाइबिलिटी सॉरी एस जीएससी की लाइबिलिटी यहां पर पांच सौ रुपए हो जाती ठीक है सीजीएससी की लाइबिलिटी आठ सौ है अब आप इस पांच सौ रुपए के क्रेडिट को अब आप इस पांच सौ रुपए के क्रेडिट को यूटिलाइज कर सकते हो अगेंस्ट योर एसजीएससी लाइबिलिटी पांच सौ का क्रेडिट यूटिलाइज किया एसजीएससी लाइबिलिटी नहीं लोई सीजीएसटी की लाइबिलिटी आपके पास आठ सौ की है सीजीएसटी में आपके पास क्रेडिट भी पड़ा हुआ है दो हजार रुपए का तो इस दो हजार रुपए में से आठ सौ रुपए कर लिया आउटपुट लाइबिलिटीज आपकी कैश में आपको जरा सा भी पैसा पे नहीं करना पड़ा और बारह सौ रुपए का आपका क्रेडिट आ गया ठीक है आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने आया हो आपको समझ में आ गया कि यूटिलाइजेशन कैसे करना होता है चलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 36 मई 2022 का पांच नंबर का क्वेश्चन है बड़ा सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड थियोरिकल क्वेश्चन

ठीक बड़ा सिंपल सा ये रूल है वैसे तो देखो अगर असिस्टेंट कमिश्नर या कमिश्नर या किसी भी ऑफिसर को लगता है अब किसी को लगता है कि आई जो है वो फ्रॉड्यूलेंटली अवेल किया गया मतलब अवेल करने जाने लायकेंटली अवेल किया गया या फिर जो आई एलिजिबल है तो फिर वो क्या कर सकता है और दैट दी आई टीसी इज इन एलिजिबल जो आई टी सी इन एलिजिबल है तो ये जो असिस्टेंट कमिश्नर कमिश्नर वगैरह है ये इस आई टीसी की यूटिलाईजेशन को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं If the 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 ITC has already been availed by the taxable person, then the officer may restrict its utilization against the liability. तो एक मैंने आपको बताया था पहली क्लास में बताया था एक होता है अवेलमेंट एक होता है utilization ठीक है अवेलमेंट मतलब अवेलेबल है यूटिलाइज मतलब आपने आउटपुट लाइबिलिटी का अगेंस्ट माइनस किया जिससे आउटपुट लाइबिलिटी कम आई दैट इज यूटिलाइजेशन ठीक है तो देखो

फील है ना ये तो फील के बेसिस पर मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया अब उस फील को जांच भी तो करनी पड़ेगा कि वो फील सही है या नहीं है ठीक है प्रोसीडिंग्स करनी पड़ेंगी एक साल तक भी अगर प्रोसीडिंग्स कंप्लीट नहीं हो पाई तो फिर असेसी को बोला जाएगा भाई तू ले क्रेडिट ठीक है ये वाली बात है

काफी टाइम से अपने रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस से बिजनेस किया ही नहीं है फिर भी मेरे पास उस टैक्स रिलेशन टू विच है गवर्नमेंट तो बेसिकली कंडीशन है ना एलिजिबिलिटी तो वाली, वाली जो सेक्शन 16 की एलिजिबिलिटी वाली कंडीशन है अगर वो फुलफिल नहीं हो पाती है तो रेस्ट्रिक्शन हो सकता है

और सॉरी एटी सिक्स बी आज खत्म हो जाएगा और फिर कल हम लोग वो कर लेंगे। अच्छा रूल 86 बी ना बड़ा सिंपल की सेल पचास लाख से ज्यादा तो पढ़ ही इसको ठीक है जैसे बता दिया एक लाइन में उसके बाद अंदर अंदर, अंदर पढ़ते में क्या होता है एटी सिक्स बी का बड़ा सिंपल सा फंडी सिक्स बी कह अगर आपकी सेल पचास लाख से ज्यादा की हुई है

तो आउटपुट लाइबिलिटी का वन परसेंट आपको कैश में पे करना होगा यानी नाइन लाख एटीन थाउजेंड का वन परसेंट यानी नाइन वन एट जीरो माइनस नाइन वन एट जीरो और इतना आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट से ठीक है आपके पास क्रेडिट कितने का था नाइन लाख ट्वेंटी थाउजेंड का था तो जो भी अनयूटिलाइज है वो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले महीने यूटिलाइज कर लेना बस इतना सा कहता है एटी सिक्स भी सिर्फ इतना सा कहता है बी ठीक है बस इतना ठीक यहां पर एक जो छोटा सा ट्विस्ट है मतलब तो ट्विस्ट क्या है एक जो छोटा सा पॉइंट आपको दिमाग में रखने वाला है वो ये कहता है कि एक फाइनेंशियल ईयर के किसी भी महीने की सेल अगर आपकी पचास लाख से ज्यादा है तो ठीक है फाइनेंशियल ईयर की सेल अगर आपकी पचास लाख से ज्यादा फाइनेंशियल ईयर के महीने की सेल आपकी पचास लाख से ज्यादा है तो ठीक है तो इससे इससे इंप्लीकेशन क्या होता है कि अप्रैल मंथ में अप्रैल मंथ में यह वाला रूल नहीं लग पाता है कैसे नहीं लग पाता है? चलो आ जाओ पढ़ते हैं इसको, देखो, क्या है? रूल 86 सिक्स बी इज एप्लीकेबल टू द रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई की ही बात हो रही है मंथ एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज एक महीने में अगर 50 लाख से ज्यादा है तो रूल 86 सिक्स भी यहाँ पर लगेगा

In other words, input tax liability shall be utilized only to the extent of 99% of the output tax liability while discharging the output tax liability. <coughs> for example, total value of input uh, example. Note: this limit is not to be checked with respect to preceding financial year, but for each month for which return is being filed. Therefore,

रजिस्टर्ड पर्सन और दर्ता प्रोपराइटर मैनेजिंग डायरेक्टर एनी ऑफ द टू पार्टनर होल टाइम डरेक्टर्स मैनेजिंग कमिटी एसोसिए बोर्ड ऑफ ट्रस्टीस रजिस्टर्ड एस में भी मैं आपको इसका बता देता हूँ सिंपल हम फाइनेंशियल ईयर बाईस तेईस के बारे में बात कर रहे हम फाइनेंशियल ईयर बाईस तेईस के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है अगर फाइनेंशियल ईयर इक्कीस बाईस में अगर फाइनेंशियल ईयर इक्कीस बाईस में और फाइनेंशियल ईयर बीस इक्कीस में ठीक है वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल ईयर उट फाइनेंशियईस राइट अगर फाइनेंशियल ईयर ईयर में में और फाइनेंशियल इस बंदे ने एक लाख से ज्यादा का इनकम टैक्स पे किया है तो बाईस तेईस में इस पर एक्स बी की रेस्ट्रिक्शन देखने की कोई जरूरत नहीं है सिंपल मतलब है ठीक है या तो इसने पे किया हो रजिस्टर्ड पर्सन मतलब जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है या तो इसने 21 20 21 और 21 22 में एक लाख से ज्यादा का पेमेंट किया हो या इसके करता ने या प्रोपराइटर ने या मैनेजिंग डायरेक्टर ने किया हो या किसी भी दो में से किसी भी पार्टनर्स ने किया हो एनी ऑफ द टू पार्टनर्स या होल टाइम डायरेक्टर्स मेंबर्स ऑफ द मैनेजिंग कमेटी वगैरह वगैरह अगर ऐसा किया हो तो, तो अगर एक लाख से ज्यादा का इनकम टैक्स पे किया है फॉर द लास्ट टू फाइनेंशियल ईयर तो इस फाइनेंशियल ईयर में रूल एटी बी का रेस्ट्रिक्शन हम लोगों को देखने की कोई जरूरत नहीं है नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या आता है तो पहली रेस्ट्रिक्शन पहला एक्सेप्शन तो ये हो गया कि पहले ना एक काम करो ये एटी सिक्स बी क्यों लगाया गया 86 लगाया क्यों गया इसका ना लॉजिक समझते तो एटी सिक्स बी रूल इसलिए आया क्योंकि कई सारे लोग क्या करते थे ना जीएसटी की चोरी करते थे

या इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर अब ये जीरो रेटेड सप्लाईज रिलेटेड सी फाइनल में पर्टिनेंट टू नोट दैट रिफंड शुड है तो रिफंड पिछले फाइनेंशियल ईयर में आ जाना चाहिए तो इस फाइनेंशियल ईयर में रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे तीसरा एक्सेप्शन पेमेंट ऑफ टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी If the registered person has paid more than 1% of the total output tax liability using electronic cash ledger up to the said month in the current financial year, restrictions as specified in Rule 86B shall not apply. Simple example: financial year 22-23 के बारे में अगर बात करें, financial year 22-23 में अगस्त के महीने में example है, अगस्त के महीने में सपोज 50 लाख से ज्यादा की सेल हुई, अब अगर अगस्त के महीने में 50 लाख से ज्यादा की सेल हुई तो rule 86B आएगा, लेकिन अगर अप्रैल मई जून जुलाई में जो भी आउटपुट लाइबिलिटी आई अप्रैल मई जून जुलाई जुलाई में जो भी आउटपुट लाइबिलिटी आई टोटल आउटपुट लाइबिलिटी के एक परसेंट से ज्यादा अगर मैंने कैश में पे किया तो अगस्त में रूल एटी सिक्स बी का रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा ठीक है तो ये वाली चीज है अब देखो इंटरेस्टिंगली अ फोर्सेड एक्सेप्शन नीड्स टू बी इवेल्यूएटेड इन द करंट फाइनेंशियल ईयर ठीक है जो मैंने आपको एकदम एटी सिक्स बी का बताया था कि यहां पर एक छोटा सा पॉइंट है एक सा है एक छोटा सा कि अप्रैल में ये नहीं मिलेगा ठीक है अप्रैल में क्यों नहीं मिलेगा क्योंकि अगर मान लो अप्रैल में आपकी सेल पचास लाख को क्रॉस कर गई तो फिर अप्रैल में अगर आपकी सेल पचास लाख को क्रॉस की तो अप्रैल से पहले वाले महीने तो है ही नहीं इस फाइनेंशियल ईयर में ये वाला जो एक्सेप्शन है ये तभी अप्लाई होगा अगर करंट फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात होगी तो जैसे मैंने आपसे अगस्त का एग्जांपल लिया तो अगस्त का अगर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया तो अप्रैल मे जून जुलाई के बारे में बात की कि अप्रैल जून जुलाई में जो भी आउटपुट टैक्स थी उसका 1 से ज्यादा कैश में पे किया होगा अब अगर पहले ही साल अगर अगर, अगर साल के पहले ही महीने में सेल पचास लाख क्रॉस कर गई तो इस फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से पहले तो कोई महीना ही नहीं है तो ये वाला एक्सेप्शन अप्लाई ही नहीं हो पाएगा मे से हो सकता है अप्रैल में नहीं हो पाएगा ठीक है दैट्स इट

आइए फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी एट एक्स वाइजेड लिमिटेड इफेक्टेड टैक्सेबल सप्लाइज ऑफ टू करोड़ इन रुपीजी टू थाउजेंड ट्वेंट थ्री विच आर चार्जेल टूटी जीएसटी बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एज पर रूल इज थर्टी एट लाख रूपीज डिटर्मिन डिपोजिड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इफ रेस्ट्रिक्शन रूल एटी सिक्स बी आर एप्लीकेबल ठीक है तो दो करोड़ पे अट्ठारह परसेंट जीएसटी कितना आएगा आपका तीन लाख साठ हजार आना चाहिए है ना दो करोड़ पर

ठीक है, लेस आई टीसी टू बी यूटिलाइजीसी आप नाइनटी नाइन परसेंट ऑफ थर्टी सिक्स यूटिलाइज कर सकते हो थर्टी सिक्स का 99 कर पाओगे ठीक 35, 35 ,00, है तो थर्टी सिक्स थाउजेंड रुपीज आया ये आपको कैश में देना पड़ेगा और रिमेनिंग थर्टी एट लाख रुपीज की टोटल आईटीसी था माइनस थर्टी फाइव सिक्सटी फोर इतना क्रेडिट आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा टू लाख थर्टी सिक्स थाउजेंड का आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा टू लाख थर्टी सिक्स का जो क्रेडिट है वो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा ठीक है तो अब हमारा बस एक सेक्शन बचता है आईटीसी वाले टॉपिक में विच इज सेक्शन एटीन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस ठीक है तो इसके रिलेटेड हम लोग बातें कल करेंगे प्लीज रिवाइज करते रहो वीडियो को लाइक कर दो मैं आपको फटाफट से बता देता तो, हूँ अनडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है तो उसके लिए आप अकेडमी की वेबसाइट पर आओगे वेबसाइट पर आओगे वेबसाइट पर आओगे वेबसाइट पर आओगे आओगे करण अर्जुन भी आएंगे वेबसाइट भी आएगी ठीक है तो वेबसाइट पर आप आओगे अच्छा इंटरमीडिएट का गोल ऑलरेडी सेलेक्टेड है चलो अच्छी बात है आप एक काम करो सब्सक्रिप्शन प्लान्स पर आ जाओ सब्सक्रिप्शन प्लान पर आने के बाद आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगे प्लस आइकॉनिक और लाइट आज मेरे भाई आ जा आज अमिर भाई आ जाए आगे आइए उसके बाद आपको सिंपली गेट प्लस पर क्लिक करना होगा गेट प्लस पर क्लिक कर दो तो ये और आप इसको अप्लाई कर दीजिए तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा ठीक है थैंक यू सो मच एवरी प्लीज वीडियो को लाइक like कर दीजिएगा एलसी कल इनपुट टैक्स क्रेडिट वाले चैप्टर खत्म हो जाएगा ठीक है